तो दोस्तों हाल ये है कि भैरव घाटी से जब आप 150-200 मीटर आगे तक आएंगे तो आपको थोड़ा चढ़ना पड़ेगा ऊंचाई पे, उसके बाद आपको मिल जाएगा ढलान इस तरीके का, मैं दिखा रहा हूँ। मैक्सिमम रास्ता ऐसे ढलान वाला ही रहेगा, बीच में कहीं कहीं थोड़े थोड़े स्लोप्स आएंगे ऊपर की तरफ। तो अभी फ़िलहाल हो क्या गया है कि मेरे घुटने में, जैसे इस राइट साइड के घुटने में लॉक टाइप का हो गया है, चीख सा दर्द हो रहा है, लेकिन अभी चलते चलते थोड़ा सा फ्लो में आ जाएगा। फिलहाल हेलीकॉप्टर से उतरने का प्लान बनाए थे, लग रहा है इसीलिए इतना कष्ट हो रही, तो हर साल जब भी आते थे तो सड़सठ उतर जाते थे 3 से 4 घंटे में। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 1:23, तो 1:30 मान लेते हैं कि उतरना शुरू किए हैं, और कब पहुँचते हैं देखते हैं। 5 बजे तक भी पहुँच जाएंगे तो बहुत अच्छा है, आराम से दिन भर सोएंगे, शाम को ट्रेन पकड़ लेंगे, शाम को कटरा में थोड़ी शॉपिंग करके। तो आगे का रास्ता एंजॉय करिए, पीछे से इस रास्ते पे घोड़े गधे खच्चर जो भी है वो भी आते रहते हैं बीच बीच में। हम लोग क्या बजे 3:30 निकले हैं, तो ऐसे घोड़े गधे खच्चर रास्ते में दिखते रहेंगे। तो फिर आप लोग बने रहिए साथ में, पूरा होटल के कमरे तक चलेंगे आपको इस वीडियो में लिख के। तो वीडियो पार्ट पार्ट में डाल रहा हूँ, तो आप सारी सीरीज डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। वीडियो वाराणसी वैष्णो देवी 2021 के नाम से पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको हर एक इन्फॉर्मेशन के साथ सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे एकदम डिटेल में। तो फिर बने रहिए चैनल पे भी और वीडियो में भी, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं आगे, जय माता दी। तो हम लोग सांझी छत हेलीपैड के पास आ गए हैं, यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर और पैदल चलना है। तो अगर हेलीकॉप्टर चल रही होती तो 1800 रुपये में दे करके 3 से 4 मिनट में नीचे हो जाते हम लोग यहाँ से, लेकिन फिलहाल अभी पैदल ही चलना है। लेकिन सांझी छत 0 किलोमीटर का है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना हुआ है, बहुत पुराना है, पहले से ही बना हुआ है, त्रिशूल है एक, तो भी आपको दिखाता हूँ वे टू हेलीपैड और भवन का रास्ता। इधर आपका ये हेलीपैड पे जाएगा, हम लोग ऊपर से आए हैं, और ये है भवन का। यहाँ से पूरा शहर गजब दिखाई दे रहा है, लेकिन छोटी छोटी लाइटें जल रही हैं तो कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था है सारी छत के पास, आगे जाके बीच बीच में अंधेरा मिलेगा, बीच में चौड़ा पतला रास्ता है। तो दोस्तों हम लोग अर्थ कुमारी के ठीक पहले पहुंच गए हैं, यहाँ से 1.25 किलोमीटर अर्थ कुमारी है, और यहाँ से मेन द्वार जो चढ़ाई का शुरू होता है वो 6 किलोमीटर 250 मीटर, और यहाँ से उसकी दूरी है, और हर 25-50 मीटर पर दीवार पे कहीं ना कहीं मार्किंग दिया हुआ है कि कितना किलोमीटर आप आए हैं या फिर कितना किलोमीटर आप बचा है। तो जो मार्किंग है वो बहुत सही किया गया है, इससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं दूरी कम हुई है। यहाँ पे जो पीली पीली मार्किंग है कि में 6/250 लिखा हुआ है, 6 मतलब 6 किलोमीटर, 250 मतलब 250 मीटर। चला जाए तो अंकुर भैया थक गए हैं, इनके कमर और पैर लग रहा है जवाब दे रही है, और इसीलिए हम लोग थोड़ा देर बैठे हैं अर्थकुमारी से ऊपर। थोड़ी देर अर्थकुमारी पे भी रुकेंगे, वहाँ की डिटेल्स आपको थोड़ा दूंगा जानकारी, और उसके बाद फिर आगे चलेंगे, और मुश्किल से मुझे लगता है 4:30-5 बजे तक हम लोग मैक्सिमम पहुंच जाएंगे। जल्दी पहुँचे थे तो निकला उठो चला गया, ज़्यादा देर सुस्ता हो तो गड़बड़ाइए मामला। तो हम लोग अर्ध कुमारी बस पहुंच ही गए हैं, अर्ध कुमारी यहाँ से भवन का रास्ता भी जाता है, जो नया वाला रास्ता हम लोग जिससे आए थे उसी पर मिल जाता है,
लाइट थोड़ी धीमी कर देते हैं और अर्थ कुमारी का आपको नज़ारा दिखाते हैं। जो रेड वाली लाइट आप लोग देख रहे हैं वो नया मंदिर बना दिया गया है। वैसे अर्थ कुमारी में क्या है कि गर्भ गुफा है, माता ने जहाँ पर 9 महीना वास किया था जब भैरव बाबा उनको दौड़ा रहे थे, तो उसकी अलग से बुकिंग होती है, मतलब उसका अलग से वो टिकट वगैरह लेना पड़ता है, तो उस हिसाब से उसमें आप लोग प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एक दिन पूरा चाहिए। पहले तो 4-4 दिन 5-5 दिन 7-7 दिन लोग लाइन में लगे रहते थे तो गर्भ गुफा में प्रवेश पाते थे। एक तरफ से घुसना एक तरफ से निकलना होता है, बहुत सकरा है। मैं भी कभी नहीं गया हूँ, मेरे पिताजी गए हैं 2 बार। वैसे कहा जाता है कि एक ही बार जाना चाहिए, तो उसमें तो सब लोग जा नहीं पाते, इसीलिए बाहर साइड में एक मंदिर बना दिया गया है कि लोग वहाँ पर दर्शन करके चले जाएं। और अभी अभी हाल ही में बनाया गया है, तो यहाँ पर शिव मंदिर है एक, तो जय भोलेनाथ हर महादेव। और बहुत ही ज़्यादा ढलान वाला ये रास्ता है, घुटने का बैंड बच चुका है और चल के बस सोएंगे, आनंद आएगा। लेकिन जब सो के जब उठेंगे ना तो अभी जितना कष्ट है उसका 10 गुना ज़्यादा कष्ट रहेगा कुछ घंटों तक, कम से कम पूरा पैर भर जाएगा। लेकिन मेरे इतिहास में इतना तकलीफ उतरने में पहली बार हो रहा है, नहीं तो हम दौड़ते हुए उतर जाते थे। एक बार उतरने का आशा किए नहीं थे पैदल, लेकिन उतर रहे शायद इसीलिए। क्यों अंकुर भाई, तो गर्भजन गुफा जाने का रास्ता, मंदिर का रास्ता यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ फिलहाल हम लोग बाहर से ही प्रणाम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग अर्थ कुमारी का आनंद लीजिए, फिर मिलेंगे आगे। ये रास्ता है जो घर पे जाता है। इतना स्पीड कहाँ से आ गया? किसके पास? आपके पास। आगे क्या करें जो है? आप कमर पकड़ लिया था। हाँ वो अभी भी, और आप बैठे रहे हैं, हम तो तुम लोग का हारा है। तो बस ये मंदिर है जय माता जी, मंदिर के बगल से मिलते हैं हमें रास्ता। तो बस यहाँ छोटी छोटी दुकानें हैं वो रहेंगी, तो फिर मिलते हैं आगे। वैसा ही रास्ता है जैसे था, वैसे ही स्लोप है पूरा। अब नीचे फिर वो जो मार्केट वाली रोड थी, अभी हम लोग 1-2 किलोमीटर बाद उसको पा जाएंगे, पूरा मार्केट शुरू हो जाएगा। उम्मीद है 4:30-5 बजे तक रूम पर होंगे तो बने रहते हैं। इधर दुकानें से आपने देखा कटरा का नज़ारा, और जितना इसमें खूबसूरत दिख रहा है उससे 100 गुना ज़्यादा खूबसूरत रियलिटी में है, जो अपनी आँखों से आप यहाँ कर देख सकते हैं। तो जब भी आइएगा तो रात में भी प्लान बना सकते हैं उतरने का, खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलते रहेंगे। दोस्तों सुबह के 5:30 बज गए और अभी हम लोग जहाँ बाणगंगा के पास गेट है, मेन द्वार बना है, उससे आगे आए हैं। पैर का बैंड बज गया है, ऊपर अर्थ कुमारी दिख रहा होगा तो दिख रहा होगा, दिखाने की क्षमता नहीं है। और अभी होटल लगभग 600-700 मीटर दूर है, तो बस पहुंचने वाले हैं। और जो है
पहली बार ऐसा हुआ कि पैर एकदम जाम हो गया राइट वाला। कारण ये था कि हम लोग आर्थिक समय पहुँचे, दो चार घंटे बैठना पड़ गया और फिर उसके बाद सोच कहते हेलीकॉप्टर से उतरेंगे तो भगवान का ये लो बड़ा हेलीकॉप्टर कर रहे हो, लो मज़ा भैया, मज़ा बन गया सजा। और भवन पहुंच के जितना सुकून आया था उतना ही सुकून लग रहा है बिस्तर पे लेट के आएगा। क्यों अंकुर, राहुल भैया तो दौड़ते भागते आगे निकल गए, पहुंच गए होंगे। तो चलिए अब होटल के पास ही मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो भाइयों और बहनों जय माता दी। और समय हो गए होंगे मेरे ख्याल से 6:45, देख लेते हैं 5:35। और इधर रहा शालीमार पार्क, इधर रहा अपना होटल, इधर रहा अपना पहाड़ जिस पे दिख रहा है अर्धकुमारी। तो यात्रा लगभग ख़त्म हुई है, अब आराम शुरू होगा क्योंकि और कुछ करने की हिम्मत बची नहीं है। तो इस वीडियो को रूम में चल के ख़त्म करेंगे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दूंगा मैं लेटने के बाद, तो बने रहो मज़ा आएगा। तो दोस्तों हाल ये है कि बेहाल है और पैर का बुरा हाल है, पैर ऐसे है ऐसे ही रहेगा, अगर इसको थोड़ा सा हिलाएंगे तो बहुत ख़तरनाक वाला दर्द होगा। तो फिलहाल राहुल भैया सबसे पहले आ गए थे, 5 बजे आ गए थे यहाँ पर, तो उनसे उनका हाल पूछते हैं। तो भैया बताइए। भाई हाल सही है, पैर में तकलीफ दर्द ज़्यादा है इसलिए चुपचाप आके पड़ गए हैं, अब सोएंगे 2-4-5 घंटा, उसके बाद देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। तो अंकुर भाई का भाई ना देखेबे काहे कि उनके शादी तय हुई है रखी थे। अब ये वीडियो ही ख़त्म, नेक्स्ट एपिसोड आएगा, इंतज़ार करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो अच्छा लगाओ तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आपको समय पर मिल जाए। बाय बाय।